गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। मैं हूँ स्वाति। तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ नो मेकअप मेकअप लुक, मतलब कि आप मेकअप भी करें और किसी को पता भी ना चले कि आपने मेकअप किया है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल से बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में मैं करूँगी ये मेकअप। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हर चीज़ आ जाएगी और आप इजीली कर सकते हैं कहीं भी कभी भी, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी में बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं होता है लोगों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा मेकअप करूं जिससे कि आपका मेकअप भी हो जाए और आप अच्छे भी दिखें और आपको बहुत ज़्यादा केकी भी ना लगे या फिर आपका मेकअप बहे भी ना, मतलब कि पसीने के साथ हमारा मेकअप बह जाता है ना कभी कभी। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा मेकअप लाई हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्किन पर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं, नो मैटर कि वो कौन से ब्रांड का है कौन सी कंपनी का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी अच्छा सा जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए, वो आप लगा लीजिए। उसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगा लीजिए, उसके बाद फिर हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों को यूज़ कर लिया है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज से भी हमें अपनी स्किन को बचाना है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए प्राइमर। मैंने आपको पहले बताया मैं बहुत ज़्यादा मेकअप और ये सब नहीं लगाती हूँ, बट करती हूँ, लेकिन स्किन भी नेचुरली अच्छी रहनी चाहिए, वो भी मैटर करता है मेरे लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा महंगे वाले प्रोडक्ट्स मैं नहीं यूज़ करती हूँ या मैं आपको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ बट मैं नहीं ज़्यादा मेकअप वगैरह करती हूँ इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। तो ये हिमालय की क्रीम है जो कि मैं रेगुलरली भी यूज़ करती हूँ, तो एज ए प्राइमर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको ले लेंगे थोड़ा सा अपनी डॉट ऑल ओवर द फेस। और मैं धीरे धीरे करके मैं आपको हर एक प्रोडक्ट जो भी अच्छा है मैं हर चीज़ का आपको रिव्यू दूंगी, बट एट दिस टाइम ये लॉकडाउन की वजह से मैं मार्केट में ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है मैं ट्राई करूँगी आप जो प्रोडक्ट बोलेंगे मैं हर चीज़ का रिव्यू देने की कोशिश भी करूँगी। तो ये होगी हमारी प्राइमर। अब हमें कुछ भी नहीं बस लैक्मे का सीसी क्रीम इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो मेकअप हमारा है आज का, ये लैक्मे का मेकअप। तो हम इसको भी डॉट डॉट करके जो कलर होता है वो स्किन टोन से बहुत जल्दी किसी की भी स्किन से मैच कर जाता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे लैक्मे का ये वाटरप्रूफ कॉम्पैक्ट है, तो इसको यूज़ करते हैं। इसको आप अपनी टी लाइन पे ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि वहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मोस्ट ऑफ सबको आता है, मुझे भी आता है। तो इसको आप वहाँ पर अच्छे से थोड़ा टैप करके यूज़ करें। क्योंकि स्किन जो है वो पूरी एक जैसी दिखनी चाहिए तो हम कॉम्पैक्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लिया है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि सही क्वांटिटी में हर जगह हमें अच्छे से यूज़ करना है इसको। अब इसके बाद ये हो
हो गया हमारा, अब हम फाइनली लगाएंगे काजल, क्योंकि नो मेकअप लुक है तो आप आईलाइनर भी ज़्यादा नहीं लगा सकते। लगाने के बाद हम ये लिपस्टिक यूज करेंगे। मैंने ये पिंक कलर की लिपस्टिक ली है, बहुत ही अच्छा शेड है, एलिटी का कलर बहुत है, नंबर है 316। मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। मैं हल्का सा लगाऊंगी जिससे कि आईज का लुक थोड़ा सा अच्छा लगे, सिर्फ एक ही कलर में ही यूज करूंगी आईज में। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही हल्का सा लगाया। अब इसको हम दे देंगे हल्का सा पिंक टच, तो मैं ये यहाँ पर लाइट अच्छा शेड है इसको यूज़ करूँगी, बहुत थोड़ा सा, जिससे कि बस लाइट सा पिंक ना आ जाए हमारी आईज में। देख सकते हैं इस तरफ से काजल है, बस इसको हम ऊपर आईज पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। गाइस आपको पता है अगर हम काजल से आई मेकअप कर रहे हैं तो अगर वो हमारा थोड़ा सा बिगड़ भी जाए तो उसको हटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा आईलाइनर। अब बस एट द लास्ट हम थोड़ा सा ब्लश यूज़ करेंगे पिंक कलर का। अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप इस स्टिक लगा सकते हैं पिंक कलर की। तो ये मेरे पास ब्लश है, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कॉटन में लिया है और मैं इसको बिल्कुल हल्का सा ब्लश कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा नो मेकअप मेकअप लुक। मैंने ऑलरेडी अपना फर्स्ट और बन बनाया हुआ है तो हम अपने थोड़े से हेयर के स्ट्रैंड को इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि हमारा लुक बहुत ही अच्छा लगे। कान के पीछे के हेयर्स हैं उनको आप पीछे ही रहने दें क्योंकि ये भी खराब कर देते हैं, लेकिन जो आगे के हेयर्स हैं आप उनको अच्छी तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नो मेकअप मेकअप लुक। आई होप गाइस कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।